हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर एस सर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंपल्स आई टी जेई। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में बात होगी क्या एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब आज हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे एरोमेटिसिटी का कहाँ कहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन के साथ। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करें। उसमें आपका एरोमेटिसिटी का, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी का सारा थ्योरी उसमें कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आप क्या करें, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी को देखें। चलिए तो आज बात करिए क्वेश्चन नंबर वन में ध्यान से देखिए कि बोला क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। तो एक काम करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में अगर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए कितना, यहां पर 2 एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है यहां पर? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको क्या पता है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ए मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, बी नंबर अगर ध्यान से देखेंगे तो आप शायद जानते हैं, देखिए ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक है, सब कुछ है ना, sp2 कार्बन है, प्लेनर है। तो आप क्या नाम देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। एंड सी नंबर ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑक्टाट्रेटरीन सिस्टम है, साइक्लो ऑक्टाट्रेटरीन है। ये क्या करते हैं, ये अपने आप, ये तो एंटी एरोमेटिक देखने में लग रहा है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, लग रहा है कि आपको, लग रहा है आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको शायद लगता होगा ये एंटी एरोमेटिक है, बट ऐसा नहीं, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं होता। ये क्या करता है, हाईली स्टेबल के वजह से ये टप फॉर्म क्या कर लेता है, एग्जिस्ट होता है, टप फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, आपको पता है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसलिए हम लोग इसको एंटी एरोमेटिक नहीं, क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। एंड लास्ट अगर बात करेंगे डी नंबर, मैंने आपको बताया था कि ये एरोमेटिक कंपाउंड, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या कर लेता है, अपने आप को, बहुत सारे कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कहां चला जाता है, ये डबल बॉक्स में कंप्लीट हो जाता है ना, मैंने ये आपको बताया था। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर तो कंजुगेशन है ही नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कोई कंजुगेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो स्टेबल है, मगर ये क्या, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है ना, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। क्यों सर? सर यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन ये भी देखिए कैसा है, sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन आप ध्यान से देखेंगे ये क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक का एक एग्जांपल है। इसलिए ज्यादा बोल सकते हैं कि कौन होगा आंसर, आंसर आपका होने वाला है ए, आंसर होगा आपका ए। ये क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी एरोमेटिक, तो आंसर होगा ए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कैसा आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बोली समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट मैं बोलूंगा, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको जब एरोमेटिसिटी करा था बेंजीन का, तो मैंने आपको ये बात बताया था कि एरोमेटिसिटी और बेंजीन में जो ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो करेक्ट है, आपको यहीं पर क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इट शुड बी पॉसिबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द बेंजीन, ठीक है, विच ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज बीन लोएस्ट एनर्जी, किसके पास सबसे लोएस्ट एनर्जी है। अब जिसके पास लोएस्ट एनर्जी है तो आप मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा अगर स्टेबल होगा तो हम ये बोल सकते हैं उसमें एरोमेटिसिटी होगा, है ना, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो जनरली हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन का देख चुके हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कौन सा ऑर्बिटल क्या होगा अच्छा ओवरलैपिंग करेगा, मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल को थोड़ा फॉलो करेंगे। हमेशा कभी भी पी ऑर्बिटल का देखेंगे अगर, तो उसका दो फेज होता है, पी ऑर्बिटल्स का दो फेज होता है, वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैंने आपको ये भी बात बताया था, कभी भी जब दो ऑर्बिटल आपस में पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सेम फेज में ओवरलैप होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है, और नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग होता है। अगर एक अगर आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अगर आपका एक अगर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और दूसरा अगर आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देख रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव में ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वेव फंक्शन डिस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव में आपको पता है
क्या होगा, डिफरेंट फेज होगा। तो अगर ये डिफरेंट फेज में है तो ये सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने से ये अच्छा से बॉन्ड नहीं बनाएगा, अच्छा से ओवरलैपिंग नहीं होगा, मगर ये बॉन्ड क्या होगा, बेस्ट होगा। ओके, तो ये फेज का मेथड आप ध्यान रखेंगे, प्लस से हमेशा प्लस फेज होगा, माइनस से हमेशा क्या होगा, माइनस फेज हमेशा क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इसी फेनोमेना को हम यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो ऑर्बिटल डायग्राम दिया हुआ है आपको कलर के फॉर्म में दिया है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मतलब यहां आपको क्या किया है, ब्लैक ब्लैक से किया है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो व्हाइट व्हाइट से लिया है। ठीक है, तो इन केस अगर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पर देखें तो बताइए कि कौन सा स्टेबल है। अरे भाई स्टेबल यहां तो है ही नहीं, यहां तो आपका sp3 है, यहां तो आपका sp3 है, और इस sp3 में अगर ध्यान से देखो, इस sp3 को ध्यान से देखो, ये तो स्टेबल है ही नहीं, कंजुगेशन तो है ही नहीं, है ना। तो कभी भी ध्यान रखना है ये, और दूसरा बात यहां पर देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या अच्छा ओवरलैपिंग कर सकता है? नो, मतलब ये आपका गलत होगा, ये आपका गलत होगा। इसी तरह से यहां पर ध्यान देखिए, चलिए हमको ओवरलैपिंग कराना है, तो ओवरलैपिंग करना इसके साथ, मान लीजिए ओवरलैपिंग हुआ, चलो ठीक है, ओके। अब तुम देखो इसके साथ अच्छा ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है, बट यहां पर तुम देख रहे हो ना, एक प्लस हो रहा है तो एक माइनस हो रहा है, अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा। ब्लैक ब्लैक से हमेशा ओवरलैपिंग करेगा, व्हाइट व्हाइट से ओवरलैपिंग करेगा, अच्छा होगा, तभी तो वो स्टेबल होंगे, तभी तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इन सबको अगर ध्यान से देखो, तो मेरा ऑप्शन अगर देखोगे, मेरे इस कंपाउंड में देखो, यहां पर देखो, ब्लैक ब्लैक से अच्छा ओवरलैपिंग होगा, यहां से भी ओवरलैपिंग होगा, और यहां से भी ओवरलैपिंग होगा, आपको नजर आ रहा है, जो ऊपर ब्लैक ब्लैक होगा तो व्हाइट व्हाइट से भी नीचे होगा, ओके, प्लस प्लस तो माइनस माइनस, नजर आ रहा है आपको, देखिए मैं अलग कलर दे रहा हूं, दिख रहे हैं? तो इसमें ओवरलैपिंग अच्छा से होगा, इसमें आपका बेंजीन का अच्छा ओवरलैपिंग होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, देखिए ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, तो इस ओवरलैपिंग स्पेस को अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको रेड कर दूं, तो रेड रेड से क्या होगा, अच्छा ओवरलैपिंग करेगा, और नीचे व्हाइट व्हाइट से, ओके। अगर मैं इसको भी रेड कर दूं, तो सेम फेज है, तो सेम फेज वाला अच्छा से ओवरलैपिंग करेगा, और नीचे वाला ओवरलैपिंग करेगा, और यहां से अगर बात करता हूं मैं, तो ये भी अच्छा ओवरलैपिंग करेगा इससे। तो इनमें क्या हो रहा है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो अगर बेंजीन में अगर पाई क्लाउड बन रहा है तो तुम क्या बोलोगे, 6 pi electron एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि 6 pi electrons है, तो ये जनरली क्या हो जाएगा मेरे पास, एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक है तो आपको पता है कि ये क्या होने वाला है, स्टेबल, ये क्या होने वाला है, स्टेबल। अगर स्टेबल ज्यादा होगा तो इसके पास क्या होगा, लिस्ट एनर्जी। बोली समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन अगर बात करेंगे, 5 नंबर मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ऑप्शन ऑर्बिटल्स 2 नो, ऑर्बिटल 3 नो, ऑर्बिटल 4 नो, ऑर्बिटल 5, मतलब आंसर मेरा क्या होगा, आंसर मेरा डी होगा। बोलिए आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है? ओके, देखिए कैसे मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, एरोमेटिसिटी लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए, अगर आप लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 अच्छे से अगर आप देखेंगे, तो हो सकता है कि ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस का, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, चलो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स टू हकर्सुल। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो हकर्सुल को फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो फॉलो जो कर रहे हैं, तो तुम एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये फॉलो कर रहा है तो हकर्सुल का फॉर्मूला आपको पता है, 4n+2। अगर यहाँ पर 4n+2 है तो कौन से कंपाउंड है, एक एक ड्रॉ करके देखते हैं। चलो तो एक एक कर ड्रॉ करते हैं। मॉलिक्यूल्स नंबर ए मॉलिक्यूल्स को अगर ध्यान से देखो, हम यहाँ बोल सकते हैं, देखो इसमें कितना है, साइक्लोहेक्सेन है, देखो यहाँ पर देखो, 1 carbon 2 carbon 3 4 5 6 6 carbon है, तो 6 carbon मैंने बना दिया, ओके। और 6 carbon के साथ देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आ जाओ, ओके आ जाओ। अब देखो 6 carbon है, देखो यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है, और यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो देखो 1, 2, 3, 4 फिर 4 है, देखो 1, 2, 3 and 4 और इसके साथ मिला हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये ब्रिज एटम्स है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो है आपका कौन सा ग्रुप है, CH2।
ये आपका क्या है, ब्रिज एटम्स है। और ये ब्रिज एटम जो ध्यान से देख रहे हो ना, इस ब्रिज एटम को ये आउट ऑफ एक्चुअली प्लेन होता है, ये आपका ऊपर उठा रहता है। और यहां पर देख रहे हैं, यहां पर पाई बॉन्ड है, और यहां पर देखिए पाई बॉन्ड है, और यहां पर देखिए पाई बॉन्ड है। तो इनफैक्ट अगर हम देखेंगे कि ये एटम आपका ऊपर उठा हुआ है, बाकी ये सारा तो प्लैनर है ना, ये आपका प्लैनर तो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, एक आपका यहां से यहां एक आया, बाकी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये आपका जो प्लेनर है। बट ये क्या है, एक ऐसे है और एक कहाँ है मेरे पास, एक ऐसा कंपाउंड आपका जुड़ा हुआ है ऐसे। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ये बोल सकते हैं ना सब तो एटम तो प्लेनर है। तो प्लेनर होने की वजह से ये CH2 ग्रुप क्या करेगा, ये आपका रेजोनेंस करने में टेक पार्ट नहीं लेगा। अगर ये रेजोनेंस करने में टेक पार्ट नहीं लेगा तो क्या बोलेंगे, वो CH2 को हम काउंट करेंगे ही नहीं। तो इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि आउट ऑफ प्लेन तो है मॉलिक्यूल सर, आउट ऑफ प्लेन है सर, नहीं मॉलिक्यूल का CH2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन है। बट ध्यान से देखो मेरा ये सब तो प्लेनर है, सब तो प्लेनर है। तो इनफैक्ट हम बोल सकते हैं, देखिए 2 4 6 8 और यहाँ पर 10, तो बताइए 10 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 pi इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे पास क्या है, 10 pi इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या है बताइए, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब बच्चे बोलते हैं सर देखिए ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सब sp2, सब sp2 कार्बन प्लेनर, बाकी ये आपका sp3 है। कोई बात नहीं, ब्रिज एटम है ऊपर में, बाकी सब तो प्लेनर में है ना, तो ये तो रेजोनेंस तो यहाँ थोड़ी ना हो रहा है, रेजोनेंस तो आपका यहाँ हो रहा है ना। तो 10 pi इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है मेरे पास, एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आया, आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, नॉर्मल सा भी है, कोई ब्रिज एटम्स नहीं है, कोई ब्रिज एटम नहीं है, बताइए 1 2 3 4 1 देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6 6 pi इलेक्ट्रॉन मतलब 12 pi इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए 12 pi इलेक्ट्रॉन्स है, तो बताइए 12 pi इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो गया ये कैसा है, 4n को फॉलो कर रहा है नहीं, 12 एनुलिन मैंने आपको बताया था ना, 12 एनुलिन 10 के बाद 12 एनुलिन। अब ये 12 एनुलिन एनुलिन तो है, मगर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 3, तो ये 12 आ जाएगा, मतलब ये एंटी एरोमेटिक फॉर्मूला लग रहा है। मैंने मगर आपको बताया था इसका हाइड्रोजन में रिपल्सन होकर ये क्या कहाँ चला जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चला जाता है। तो इनफैक्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको अगर ये मॉलिक्यूल्स अगर क्वेश्चन से बोल देता आपको कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो क्या इसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, नहीं, ये 12 एनुलिन है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, चलिए हमको तो पूछा है सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स और जो हकलसुल को फॉलो कर रहा है, तो भाई ये तो कर ही रहा नहीं है, तो चलो ये कर रहा था, चलो इसको हटा देते हैं, आ जाइए, चलो मैं इसे यहाँ पर टिक मारता हूँ आपको, ठीक है, ये आपका कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। सी नंबर देख लेते हैं, सी नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 pi बॉन्ड्स है, 7 pi बॉन्ड्स मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग में अगर बात करूँ, 14 इलेक्ट्रॉन्स तो बताइए सी नंबर अगर हम बात करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4n प्लस 2 है ना, 4n प्लस 2, तो बताइए n का वैल्यू कितना होगा, बताइए चलिए n का वैल्यू कितना होगा, 3, तो 3n का वैल्यू 3 प्लस 2, तो 3 4 12 12 2 14 आ रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये भी कैसा है, ये भी आपका एरोमेटिक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे इसका, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो D में आपका नजर आ रहा है 16 pi इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लग रहा है, क्योंकि ये 4n है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लग रहा है ना, n का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 4 16 pi इलेक्ट्रॉन्स। बट ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, आपको पता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है रिपल्शन की वजह से, मैंने आपको बता रखा है। अच्छा अब ये तो भाई साहब ई नंबर आप क्या देखेंगे बताइए, ई नंबर में आपको कभी लग रहा है क्या, अरे सर इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, पॉसिबल नहीं है, है ना। और ये कार्बन आपका प्लेनर है तो, मगर लीनियर फॉर्म हो गया, तो कभी तो हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 2 जा 12। अगर ये 12 है तो बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके तो इनफैक्ट तो ये भी क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में चला गया। तो जनरली हम यहाँ पर क्वेश्चन करना क्या था कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर द एरोमेटिक कंपाउंड हकलसुल, हकलसुल को कौन फॉलो कर रहा है बताइए ना, ए और सी, और तो कोई नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए, 3 का ए। बोलिए समझ में आ रहा है, तो हकलसुल को बस यही फॉलो कर रहा था। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन
ट्राई करते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज एरोमेटिक. तो आप ये बताइए कि इनमें से, वीडियो को पॉज करिए और इसको अपने से पहले ट्राई करिए और आप आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है. ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखा है पहले ही वीडियो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 एंड 3 में, आप चेक कर ले. ओके, तो ध्यान से देखिए, इनमें से अगर बात करेंगे साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकटायन, नजर आ रहा है आपको, ठीक है. देखिए इसमें रेजोनेंस होगा पाई सिग्मा कटायन, है ना. तो अगर हम ए नंबर हम चेक करेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर? ओके, मैंने आपको बता रखा है इसमें कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड, डन. इस पे बात करते हैं बी नंबर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इसमें भी सेम है, एकदम सेम है. इसमें भी देखिए पाई सिग्मा कटायन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड. अच्छा, इसमें देखिए सी नंबर, ये भी मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं मगर मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, ठीक है. 2 एंड 4 सब sp2 कार्बन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. समझ में आ रहा है ना फटाफट? ओके, डी नंबर देख लीजिए, ये तो आपको पहले ही लेक्चर में मैंने दे दिया था इस कंपाउंड को, है ना, 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड. तो आप खुद बोले को कौन कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड मिला भला, ये बताइए मिला कौन कौन सा. एक ये वाला, ठीक है, ए और बी, उसके बाद डी, ए बी डी, आंसर मारिए, आंसर क्या होगा, ए बी डी सी, ए बी डी, आंसर क्या होगा आपका, सी. तो एक चीज ध्यान रखिए, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है आप लोगों को, जब आप देखिए या जब आप थ्योरी कर लेंगे ना, जब आप 1, 2, 3 लेक्चर देख लेंगे ना, शायद मुझे लगता है कि नहीं कि आपको आपको इन सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आएंगे. हर एक चीज आप कर सकते हो, एरोमेटिसिटी का हर एक चीज मैंने आपको सिलेबस के बेसिस पर दे दिया है, है ना, चाहे वो जेई मेन एडवांस का हो, चाहे वो ITJE का हो, चाहे वो मेरा नीट का हो, चाहे जो भी WJE या क्लास 11, 12 जो भी बात कर रहे हो, तो उसके बेसिस पर अगर बात करते हो तो ये सारे एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इस इंपॉर्टेंट को आप जरूर करो, इन सारे इंपॉर्टेंट को बहुत ज़्यादा करो, क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना प्रैक्टिस आपका अच्छा. ओके ओके, फाइव करते हैं. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छा ध्यान से देखिए, ये क्या बोला है, नया टाइप का क्वेश्चन मुझे मिला, साइक्लोनोना टेट्राइनाइल कटायन. तो टेट्राइनाइल कटायन अगर बात कर रहे हो तो ए नंबर देखो साइक्लो है, ठीक है, नोना मतलब 9 एटम्स है कार्बन के, ठीक है, और टेट्रा मतलब क्या है, टेट्राइनाइल मतलब टेट्रा मतलब 4, इनाइल मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, और लास्ट में कटायन है. तो एक काम करते हैं, लास्ट में हम कटायन दे देते हैं, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिखाने का मतलब क्या है, कटायन के में, और इस पे कितना है, 4 है ना, तो कर लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है, 4 मैंने बना दिया. तो अब बताइए 2, 4, 6, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए ए नंबर जो आप देख रहे हैं ए नंबर में कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, चाहे एरोमेटिक है, चाहे नॉन एरोमेटिक है, चाहे एंटी एरोमेटिक है, ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, बस और कुछ नहीं. अगर आप इसको देख रहे हो तो साइक्लोनोना टेट्राइनाइट एनायन, अब इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर आप नेगेटिव लगा दो, ठीक है, ये तो मेरा क्या है बताइए, ये तो मेरा एंटी एरोमेटिक हो गया, है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, मैं लिख देता हूं यहां पर ए जो है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. ओके, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर देखेंगे साइक्लोनोना टेट्राइनाइट एनायन, ये क्या है, एक नेगेटिव आने का मतलब उसके पास लोन पेयर आया होगा, अगर लोन पेयर आया है तो बताइए 2, 4, 6, 8 एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बी जो आपको नजर आ रहा है उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आता है वो क्या है मेरे पास, एरोमेटिक कंपाउंड.
तो आप बताइए, आपसे सिर्फ और सिर्फ तो ये नहीं पूछा है एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एरोमेटिक कंपाउंड है, आपसे सिर्फ पूछा है क्या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन टू कंपाउंड्स ए एंड बी। ओके, तो 8 and 10, 8 and 10, वाह सर वाह, आंसर आ गया कितना, 8 and 10 B। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर में। सिक्स नंबर देखिए, कंपेयर द करना स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन व्हिच आर फॉर्म व्हेन रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट। जब इस रिएक्शन को आपको बोला है कि इन तीनों कंपाउंड के साथ अलग अलग सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक बार सिल्वर नाइट्रेट इससे साथ ट्रीट कर रहा है, एक बार सिल्वर नाइट्रेट दूसरे ट्यूब के अंदर में इसके साथ ट्रीट कर रहा है, एक बार सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ ट्रीट कर रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, किसी भी हैलाइड के साथ बहुत अच्छा एफिनिटी रखता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो पीपीटी फॉर्म करता है ना, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, जो भी। बट यहाँ पर आपका क्या फोकस है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, आयोडाइड है। आयोडाइड मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, आयोडीन अगर मिल जाएगा तो उसके साथ क्या मिल जाएगा, आई माइनस अगर मिल जाता है तो क्या बना लेगा, AgI, येलो पीपीटी। ओके, येलो पीपीटी, और इस येलो पीपीटी बनाएगा तो पीपीटी तो तीनों दे सकता है ना, तीनों के पास आई है, मगर हमको ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है। तो जो आई माइनस लॉस कर देगा, तो उसके पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्लस आ जाएगा। तो चलिए चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ओके मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ओके ध्यान से देखिए, चलिए येलो लेता हूं। मान लीजिए अगर मैं यहां से मैं ऑप्शन नंबर ए को देखता हूं, चेक करता हूं, ठीक है, अगर आई माइनस निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलिए प्लस लिख देते हैं। बी नंबर, यहां से आई माइनस अगर निकल गया है ना, सिल्वर नाइट्रेट अगर ले जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, कटायन बन जाएगा। और सी नंबर देखिए, अगर यहाँ से अगर कार्बोकैटायन ले जाएगा आई माइनस के फॉर्म में तो यहाँ भी प्लस बन जाएगा। तो अब बताइए तीनों में, तीनों कौन अच्छा आई माइनस गिव करेगा, मतलब कौन देगा। या ऐसे आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि कौन सा येलो पीपीटी देगा बहुत जल्दी, कौन देने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि व्हाइट येलो पीपीटी कौन देगा। अरे भाई आपसे पूछा है सिल्वर आयोडाइड फॉर्मेशन कौन करेगा, अच्छा बताओ अगर सिल्वर नाइट्रेट है जो जितना जल्दी आई माइनस दे देगा वो उतना अच्छा एजीआई का पीपीटी पड़ जाएगा, है ना, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो अब बताओ, तुम बताओ कौन अच्छा कार्बोकैटायन है, जब आई माइनस सबका मैंने निकाल दिया तो बताओ कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो आप खुद देख सकते हो सर, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, अभी तो आप बताए सर, सर यहाँ कितना है, यहाँ देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 pi sigma lone pair, सब sp2 कार्बन एरोमेटिक कंपाउंड, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहा है आपको, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो ए इज द एरोमेटिक कंपाउंड, इज द हाईली स्टेबल, इसलिए ये क्या करेगा, इसको पता है, ए को पता है कि हम क्या करेंगे, अगर आई माइनस को अगर लॉस कर देंगे तो आई माइनस लॉस कर देगा तो एक स्टेबल कार्बोकैटायन एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये फट से आई माइनस किसको दे देगा, सिल्वर नाइट्रेट को दे देगा, और सिल्वर नाइट्रेट को देने का मतलब क्या, ये आराम से एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, बी को देखते हैं। बी में देखो सर, यहां पर ध्यान से देखो सर, यहीं पर तो नजर आ रहा है सर, ये कार्बन देखिए यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन का मतलब क्या, ये कार्बन आपका कैसा है, sp3। जब मेरा 2 pi sigma कंजुगेशन तो है ही नहीं, बट एक कार्बन आपका क्या हो रहा है, sp3 हो जा रहा है, ये मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, और लास्ट में हम इसको देखें सी नंबर में, ये नॉर्मल, ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसमें स्टेबल होने का चांस है, इसमें भी स्टेबल होने का चांस है, हाँ सर, सर इसमें भी स्टेबल होने का चांस है। देखिए पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, यहां भी रेजोनेंस होगा, यहां sp3 है, बट यहां पर तुम देखो पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दोनों नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें एक ही रेजोनेंस होगा, इसमें दो दो कंजुगेशन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो आंसर मेरा A, B and C। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस एक ही बार में होगा, एक ही कंजुगेशन है, इसमें देखो यहां भी कंजुगेशन, यहां भी कंजुगेशन, तो आंसर ए होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है ए, फिर बी और सी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ए मेरा यहां पर है, बी है और सी है, तो आंसर मेरा कौन होगा, ए। क्लियर, समझ में आ रहा है,
चलो तो आपको अच्छे से कर पा रहे हो। चलो सेवन नंबर क्वेश्चन करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकैटायन इज गिवन स्टेबिलिटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में से जाना है, ध्यान से देखिएगा। मतलब आपको सबसे पहले ज्यादा को सजाना है जो मेरा स्टेबल है, फिर उसके बाद कम और कम और कम और कम और कम, सबसे कम को सजाना है। ऐसे ऑर्डर में आपको सजाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले बताओ ये देखो फर्स्ट पॉइंट नंबर वन, देखो वन को देखो ध्यान से। है ना, बताइए स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का, बताइए 2, 4, 6 सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये ज्यादा स्टेबल है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। टू नंबर बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या होगा CH2+। इनमें ये एक लीनियर है, ये एक लीनियर है, चैन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस होगा, बल्कि ये इसमें रेजोनेंस भी है, साइक्लिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक मतलब दो sp2 कार्बन के बगल में अगर sp3 कार्बन, अगर दो sp2 कार्बन के बगल में एक कार्बोकैटायन है, ठीक है, ऐसे कार्बोकैटायन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बोकैटायन। ओके, तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन मेरा नॉर्मल स्टेबल तो है मगर एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल नहीं है। ओके, आ जाइए सुनिए, तो इसमें क्या, इसमें भी रेजोनेंस होगा सर, कैसे होगा सर, इधर बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो बताइए क्या बन जाएगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर फिर बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा CH2, मतलब पाई क्लाउड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ओके चलो ठीक है, थ्री नंबर देखना है बेंजीन मतलब कोई मान लो फिनाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, C6H5 का मतलब होता है फिनाइल, और ये जुड़ा हुआ है CH2+। अरे भाई इसमें तो देखिए पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा मतलब पूरा बहुत ज्यादा कंजुगेशन है इसमें तो, है ना, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा कंजुगेशन है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, तो जो जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, और ये ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। और फोर्थ नंबर अगर हम बात करें CH3CH+, और यहाँ पर क्या है CH, और इसमें देखेंगे इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ sp2 कार्बन के बगल में क्या है, यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ भी क्या है अल्फा कार्बन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताइए 3, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम है ना, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 6, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन होगा। ओके, अब आप कुछ नया टर्म सीख रहे हो, जो बच्चे हाइपर कंजुगेशन नहीं किए, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट नहीं किए, रेजोनेंस नहीं किया है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों के लिए इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, तो आप लोग पहले इसको समझो, अगर जो पढ़े हुए हैं वो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब तुम बात करते स्टेबिलिटी ऑर्डर का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा ये, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर किस में होगा, इसमें होगा, फिर किस में होगा, इसमें होगा, फिर किस में होगा, इसमें होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो ही ना हो रहा है, तो वन सबसे ज़्यादा स्टेबल वन, क्योंकि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में से जाना है, तो सबसे ज़्यादा पहले ये होगा वन, फिर कौन होगा 3, फिर कितना होगा 2, फिर कितना होगा 4, तो 1, 3, 1, 3, 2, 4, आंसर 1, 3, 2, 4, आंसर सी है ना, आंसर सी, क्लियर, बात समझ में आ रहा है, 1, 3, ठीक है, 1 सबसे ज्यादा, फिर 3 होगा, ठीक है, फिर 2 होगा, फिर कितना होगा 4 होगा, बोली समझ में आ रहा है 7। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, Which of the following is the aromatic compound? यार ये तो देखा हुआ लग रहा है ना, ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो which of the following is the aromatic compound? फटाफट करो जल्दी करो ओके, जल्दी से करो ये क्वेश्चन को, बहुत ईजी है, क्या aromatic compound है, नहीं सर ये तो नॉन aromatic है सर, नॉन aromatic, sp3 है सर, देखिए ना सर, ओके सही बोले sp3 है, ये देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 6, हाँ सर ये aromatic है, और वही तो पूछा है, ये देख लो ये भी तो sp3 है भाई, नॉन एरोमेटिक, और ये क्या है 2, 2, 4, अरे यार ये तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आपसे पूछा है ए, समझ में आ रहा है, क्लियर, चलिए 9 नंबर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरोमेटिक, ये भी आपको एरोमेटिक फाइंड करना है,
चलिए आपको देख के लग रहा है, टिक मारिए, अब तो देख के आंसर करेंगे, अब तो देख के मारिए ठीक ना। ये कैसा बताइए, बताइए 2 पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर है ना, 2, 2, 4 एंड 6। अच्छा अब तुम्हें कहा पूछा, फॉलोइंग इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कौन कौन सा होता है, ये भी तो एरोमेटिक है, अरे भाई ये भी तो एरोमेटिक है, इतना जल्दीबाजी मत करिए, ये भी तो एरोमेटिक है। माइनस का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कौन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, अरे ये भी तो सर एरोमेटिक है, माइनस का मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अरे सर आंसर तो डी होना चाहिए। इसलिए पहले क्वेश्चन को देख के कभी टिक मत मारो करो, पहले क्वेश्चन को देख के ऑप्शन देखो टिक मत मारो, पहले चेक करो सर सारा है कि नहीं, तो देखो लास्ट में आंसर क्या निकल गया, लास्ट में आंसर निकल गया ए, तो इसीलिए जल्दीबाजी ना करें, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को जज कर सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, अरे भाई ये तो नॉन एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, 2 sp2 कार्बन है आपको नजर आ रहा है यहाँ, यहाँ देखिए ये भी तो हो ही नहीं सकता सर, 2 sp2 कार्बन है, ये तो सीधा बात है। अच्छा सॉरी मेरे दिमाग में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा है, ठीक है नॉन एरोमेटिक बोला है, सॉरी ठीक है मिस्टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, एंटी एरोमेटिक आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अरे सर sp3 है ना, ये भी तो sp3 है, ये भी sp3 है, तो दोनों तो sp3 है, तो दोनों तो ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, आउट ऑफ प्लेन। अरे सर ये भी तो sp3 है, यहाँ भी तो आपका sp3 कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा है आपको, तो ये भी कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, अरे सर ये भी तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, लीनियर है, ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हम लोग के लिए थे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन 11 से 20 करेंगे, ओके जब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ओके और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ओके चलो बाय।